हेलो फ्रेंड, नमस्ते। हमारे गार्डन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जो आपको प्लांट दिखा रही हूँ, सावन का महीना चल रहा है, सेमी का वृक्ष। और ये देखिए इसके फ्लावर्स, जो शंकर भगवान के, गणेश जी के प्रिय हैं। और देखिए, और मैं आपको आज जीरो बजट गार्डन के बारे में बताना चाहती हूँ कि आप बिना पैसा खर्च किए इस मौसम में अपने गार्डन बना सकते हैं। सबसे पहले अपन जेड प्लांट देखते हैं। जेड प्लांट छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है, इस मौसम में आप भी लगा सकते हैं। और ये अलबंडा, इसकी भी कटिंग लग जाती है। फाइकस, फाइकस में काफ़ी वैरायटी आती हैं, छोटी से छोटी कटिंग, बिल्कुल छोटी भी लगाएं तो लग जाएगी। ये टर्टल वाइन, ये देखिए, ये भी छोटी सी कटिंग ले आए, ये भी लग जाएगी। और ये टर्टल वाइन, टर्टल वाइन भी इसमें तीन प्रकार। बोगनवेलिया, ये भी आपका कटिंग से इजी ग्रो प्लांट है। और मदर ऑफ थाउजेंड, फॉर्चूला, नाइन ओ क्लॉक, ये देखिए बिल्कुल छोटी से कटिंग ले आए, कभी नहीं जाएगा आपके गार्डन से। मदर ऑफ थाउजेंड तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा, ये तो कहीं गिरेगा। और रोहियो, इसकी भी एक प्लांट लगा लेंगे तो आपके कभी आपके गार्डन से नहीं जाएगा। और झुमका बेल, इसकी भी छोटी सी कटिंग लगा सकते हैं इस मौसम में आप। और ये देखिए इतने खूबसूरत प्लांट फ्लावर आ रहे हैं। बटूनिया और ये रेड चंपा, नर्सरी में काफ़ी महंगे मिलते हैं और काफ़ी सुंदर प्लांट है ये। ये भी कटिंग से लग जाता है। ये मिनी कामनी, ये भी कटिंग से लग जाएगा। गुलदावरी, रोज़, इस टाइम पे आप नींबू वगैरह, ये इसके प्लांट भी लगा सकते हैं फ्रूट के। ये एक्जोरा और ये सिलोसिया, सिलोसिया तो अपने आप ही सीज़न में अपने आप ही, अपने एक बार लगा लेंगे तो गमले में अपने आप जिस सीज़न में होता है वो अपने आप ही उग जाता है। ये देखिए अमरूद भी लग रहे हैं, देखिए। फाइकस, अरबी, सदाबहार, ये सब प्लांट आप कटिंग्स के द्वारा लगा सकते हैं, इजीली ग्रो होते हैं। ये मैंने सब कटिंग से लगाए हुए हैं, ये देखिए। और सिंगोनियम का मैंने एक प्लांट लेके आई थी और आज देखिए मेरे पास कितने प्लांट हैं। ये मैंने पिछले साल छोटी छोटी कटिंगें लगाई थी फाइकस की, आज ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये देखिए और सॉन्ग ऑफ इंडिया को यदि कटिंग नहीं कर रहे हैं तो ऐसे लंबा हो जाता है, तो इसकी तो कटिंग आप जरूर लगाएं और इसको मतलब घना कर लें। एक्जोरा में देखिए काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसमें मैंने फर्टिलाइज़र वो दिया था, फिटक्री का दिया था, उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकल के आया। ये देखिए सिंगोनियम, मैंने कितना एक पेड़ से मैंने कितने पेड़ बना लिए हैं। जेड की तो बात ही नहीं करें, छोटी सी छोटी कटिंग को आज मैंने लगाया था और आज कितने अच्छे हो रहे हैं।